अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आपके अपने चैनल में आपको खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों इस चैनल में हम लोग बात करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया रिलेटेड हर किस्म की वेबसाइट से आने वाली नई अपडेट के बारे में। हम हर नई अपडेट बिल्कुल तफसील से बात करेंगे। हम देखेंगे कौन सी अपडेट किस वक्त आ रही है, कब लॉन्च होगी, उसका क्या फ़ायदा होगा, उसके क्या नुकसान होंगे और किस तरह हम लोग इसको अपने फ़ायदे या अपने नुकसान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम लोग देखेंगे आने वाली अपडेट जो है इससे हम लोग अपनी अर्निंग किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह ये कम्युनिटी है जो अर्निंग करती है उस अपने वेबसाइट से उसको किस तरह बेहतर बनाएगी। दोस्तों अगर आप इस सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और इस तरह से हर किस्म की आने वाली वेबसाइट से आने वाली अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज की स्टूडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स की जो कि नई नए चैनल मोनेटाइज करवाकर उससे खवा बैठते हैं। आज की स्टूडियो में बताऊंगा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप ना करें तो अपने चैनल को बचा सकते हैं और मोनेटाइजेशन ऑन रख सकते हैं। दोस्तों बहुत से यूट्यूबर्स पहले से ये करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दोबारा ऐसा करेंगे तो अपने चैनल गवा बैठेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज की स्टूडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह जो है आप लोग अपना चैनल बचा सकते हैं डिमोनेटाइज होने से। दोस्तों पहले जो है यूट्यूब ने 2016 में अपनी अपडेट लॉन्च की थी कि अगर कोई शख्स मिसलीडिंग टाइटल से डालेगा यानी कि उसकी वीडियो में वो नहीं होगा जो टाइटल में डाल रहा है या थंबनेल में डाल रहा है तो उसे डिमोनेटाइज कर देंगे। लेकिन तब यूट्यूब ने इसको सीरियसली नहीं लिया और ना ही लोगों ने सीरियसली लिया। बहुत से लोग मिसलीडिंग टाइटल डालते रहे, वीडियो में कुछ और होता था और उसमें टाइटल में कुछ और होता था, थंबनेल में बिल्कुल कुछ और होता था। ये सब कुछ करने का मकसद ये था कि लोगों को क्लिकबेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल कर सके, जो भी है वीडियो हासिल कर व्यूज हासिल किया जा सके और पैसे कमाए जा सके जबकि वीडियो में मोना हो। लेकिन यूट्यूब ने इस बार दोबारा अपडेट किया है और इस बार उन्होंने बड़ी सख्ती से रखा है। दोस्तों यूट्यूब का कहना है कि अगर कुछ मिसलीडिंग टाइटल्स आ रहा है तो उसको उसी जगह डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो डीमोनेटाइज कर रहा है। यूट्यूब ने अपने एल्गोरिथम में नई चीज नहीं अपडेट किया जिसकी वजह से अगर कोई शख्स ऐसा टाइटल डालता है जो कि उसकी वीडियो में नहीं दिखाया जा रहा तो उसके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। सबसे पहले उसकी वीडियो को डीमोनेटाइज किया जाएगा और उस पर स्ट्राइक डाली जाएगी, एक कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग होगी, फिर दो बार ऐसा किया जाएगा और तीन बार। लेकिन तीसरी बार के बाद अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपका चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाए और इसके बाद आपको मोनेटाइज नहीं करवा सकेंगे, आपको इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा मोनेटाइज करवाने का। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तो वो काम नहीं कर रहे लेकिन अगर उन्होंने पहले का किया हुआ तो उनको चाहिए कि वो अपने चैनल पर पड़ी पहले वीडियो के भी टाइटल्स चेंज कर लें और उन्हें इस टाइटल पर रखें जो उन्होंने वीडियो के अंदर किया है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम अब इस चीज को मद्देनजर नहीं रख रहा कि कौन सी वीडियो नई आ रही है, कौन सी वीडियो पुरानी आ रही है। अगर आपकी पुरानी वीडियो मोनेटाइज है और आपका चैनल डीमोनेटाइज होकर दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए जाता है तो हो सकता है आपके चैनल पर पड़ी हुई बहुत पुरानी वीडियो जो भली 4 साल पुरानी हो, भली 5 साल पुरानी हो, बल्कि पहली अपडेट से आई हुई से भी पुरानी वीडियो हो लेकिन अगर उसमें मिसलीडिंग टाइटल है तो वो आपके चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। दोस्तों ये है वो चीजें जिनकी वजह से आप अपने चैनल को डीमोनेटाइज करवा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो डालते हैं और इसके लिए जरूरी समझते हैं कि वो गलत टाइटल डालें, और बहुत से लोग ऐसे थे जो गेमिंग वीडियोस बनाते हैं और गेमिंग वीडियोस बनाने वाले तो ज्यादातर ऐसे ही करते हैं कि अपने टाइटल में जो डालते हैं उनकी वीडियो में नहीं होता। तो अगर आप इस तरह कंटेंट बनाते हैं तो या तो आप इस तरह कंटेंट बनाना छोड़ दें या आप उस कंटेंट को बिल्कुल सही तरीके से बनाएं और अपनी गेमिंग वीडियोस या अपने जो किसी भी किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बना रहे हैं और न्यूज़ की वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें बेहतर टाइटल डालें, बेहतर टाइटल डालें, बेहतर टैक्स डालें, बेहतर डिस्क्रिप्शन डालें और बेहतर थंबनेल डालें। और इसी तरह से आप अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम अब बहुत सख्त हो गया, अब उस तरह के टाइटल को बर्दाश्त नहीं करता और उसी टाइम आपकी वीडियोस को डीमोनेटाइज कर देता है। और अगर आपके चैनल पर कोई पुरानी वीडियो ऐसी है जो आपको लगता है कि आपके चैनल को डीमोनेटाइज करवा सकती है तो आप उसको भी अभी से ठीक कर लें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंटरनेट से पैसे कमाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।